और वहीं चित्रकूट से शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा सीधी पहुंची। बीजेपी के दिग्गजों ने पूजा पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। ये यात्रा सीधी और सिंगरौली जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही है। वहीं इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला, सांसद रीति पाठक समेत कई सांसद और राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहे। समय भी मुझे बनते प्रधानमंत्री सड़क योजना जब हमने अनाउंस किया अटल जी ने, तो यही कांग्रेस के लोग कहते थे अटल जी पैसा कहाँ से आएगा। आज मैं उसी से कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस योजना को लागू करने के साथ साथ, क्योंकि अटल जी भारत के ग्रामीण भारत और आज हम 250 आबादी तक हम उन गाँव को पूरे देश भर में आप कह सकते हैं, सीधी जिले में देख सकते हैं कि हम चार तक इस योजना को पूरा करना चाहते हैं। आज हमारा तीसरा चरण चल रहा है, आज लगभग सीधी जिले के गाँव को हमने कनेक्ट किया होगा। कुछ गाँव अपवाद थोड़े दूरे होंगे, जहाँ पर कुछ पुरानी रोडे नहीं होंगी, कनेक्टिविटी से जो गांव नहीं जोड़ पाए थे उन गाँव को जोड़ने की कल्पना थी।